कन्नौज क्षेत्र का इस तरीके का सोना आलू आता है और इसकी क्वालिटी वाइज देख सकते हैं। इधर अगर देखेंगे, नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है बाराबंकी मंडी में इरशाद अहमद एंड कंपनी पे है और आज के वीडियो में बातचीत होगी आलू की, क्या यहाँ पे बिक्री है, कौन कौन वैरायटी का आलू आता है और किस तरीके की मंडी में आमदनी है। तो सबसे पहले भैया दिखा दीजिए, कन्नौज जिले की सामने गाड़ी लगी है, इस गाड़ी पे आलू जो है लगातार उतरने का कार्य चल रहा है। किसान भाई हैं, कन्नौज से लाए भी आलू हैं, उनसे बातचीत करेंगे और बाराबंकी का भी आलू है। तो सबसे पहले हमारे साथ आलू आड़ती हैं दद्दा, तो जानते हैं कितना गाड़ी मंडी में आ जाता है और बिक्री की किस तरीके का माहौल रहता है। तो दद्दा नाम बताइए, क्या नाम है आपका? साथ अहमद नाम है मेरा और मैं यह बाराबंकी का आलू जो है 20 रुपए बेचा है, सादा चितोना है। सादा चितोना, हाँ। कन्नौज का लाया हूँ तो 25 रुपए बिका हुआ है। 25 रुपए। अच्छा, अपने यहाँ मंडी में अगर बात करें तो कौन कौन से वैरायटी का आलू आता है यहाँ पे? बस यही चितोना ही आता है, वैरायटी यह चितोना ऊर्जा वाला है, यह भी सादा है। अच्छा, जैसे हॉलैंड हो गया, कंचन, सिंदूरी, यहाँ बिकता नहीं है? यहाँ नहीं बिकता, यहाँ नहीं बिकता। अच्छा, तो भैया यहाँ की अगर बात करें तो मंडी में लगभग कितना गाड़ी का कुछ उम्मीद है, कितना पैकेट आ जाता है पर डे अगर माना जाए? पर डे तो आ जाता है करीब 20-25 ये पिकअप होती है। तो ये जो माल आता है कि पर डे निपट जाता है या थोड़ा बैलेंस होता है? बैलेंस हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। अब ये किसान लाए हुए हैं, आज इनका दूसरा दिन है, 6 पैकेट आलू बच गया है। 6 पैकेट बच गया। अच्छा, आप बताइए भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद वारिस। कौन नाम अपना पड़ता है? कसौली। कसौली, कन्नौज। कसौली, कसौली है। तो भैया कौन सा आलू यहाँ लाए थे, मंडी में बिक नहीं पा रहा क्या? बिक्री बहुत सुस्ती है, बहुत डाउन बिक्री है। ऐसा तो नहीं है कि आपके इधर वाला सादा जो सोना हो इसलिए यहाँ थोड़ा मार्केट में पकड़ कम सादा है? भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। अच्छा, अपना कौन सा गांव पड़ता है? कसौली, बाराबंकी के बगल में पड़ता है। अच्छा, बाराबंकी के बगल में। अच्छा, अपने क्षेत्र में अगर बात करें तो कौन से वैरायटी का आलू होता है अपने क्षेत्र? सोना बिकता है, हाँ। लाल पहाड़ी बिकती है बस, हाँ। सफेद बिकता है, वो कम बिक रही है सफेद की कम। अच्छा, अपना कुछ बेचे हैं आज मंडी? बेचे हैं। क्या भाव चल रहा है? 20 से 22 रुपए किलो तक। अच्छा, सादा वाला होगा चिपसोना? सादा वाला चिपसोना है। अब आरती महोदय हैं, इनसे दद्दा से बातचीत करते हैं। दद्दा, क्या अनुमान लग रहा है आगे चल के आलू के भाव में, कब तक सुधार होने का चांस है? क्या नहीं होगा, अब रेट गिरेगा भैया, हाँ रेट गिरेगा, सुधार नहीं होगा, इसलिए टाइम है कम, इसलिए आलू बहुत है, बहुत है। अच्छा, मंडी में अगर देखा जाए, जैसे भैया हैं ये लोकल के हैं, 2 दिन हो गए आलू नहीं बिक पा रहा, तो हमें लग रहा कि ऐसा इस तरीके का बैलेंस लगातार चलता होगा और क्या। कन्नौज का भी किसान कोई डायरेक्ट आलू लाता है? व्यापार नहीं लाता है, हम खुद लाते हैं। अच्छा, अपना खुद डायरेक्ट, हाँ अपना अपना, मतलब यहाँ पे अगर बात की जाए तो जो भी मंडी में माल आता है लोकल के जो बाराबंकी के किसान है वो तो लाते हैं, बाकी बाहर का जो आलू आता है वो मतलब आड़ती अपने माध्यम से लाते हैं, हाँ अपने माध्यम से लाते हैं। किसान लाता है यहाँ बाराबंकी का जो होता है वो यहाँ लाता है हमारे पास। अभी एक टाली से आया था तो वो 20 रुपए किलो बेचा था, सादा चितोना, हाँ सादा था चितोना, 20 रुपए किलो उसका बिक गया, हाँ उसका बिक गया। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि मतलब अगस्त के महीने में हर वर्ष आलू के भाव में हल्की फुल्की गिरावट आती है, तो क्या लग रहा है ऐसा ही तो नहीं है कि वैसा ही हो रहा है? एक गर्म की वजह से कम बिक रहा है, हाँ। और कुछ जो है पोजीशन जो है महंगाई की वजह से कम बिक रहा है, हाँ। तो इसे देख रहे हैं कि जो है बाजार गिरेगी। आप क्या उम्मीद लग रही है आगे चल के, क्या माहौल कुछ बन सकता है आगे चल के? जो है माहौल गर्मी खत्म होने के बाद कुछ लग रहा है माहौल टाइट होगा? माहौल टाइट नहीं होगा, टाइम कम है, टाइम कम है, अब नया आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ नया आलू आ जाएगा तो और बाजार गिर जाएगी। तो वही बात है, कुल मिला के अगर बात की जाए जिस तरीके से, अगर कन्नौज जिले में हम लोगों ने कई किसानों से चर्चाएं की तो किसान भाई कह रहे थे कि लगभग में 5 या 10 सितंबर से आलू की गड़ाई हल्की फुल्के स्तर पे चालू कर देंगे, तो उस आलू को अगर माना जाए तो दीपावली के आसपास थोड़ा हल्का फुल्का मार्केट में नया आलू आना चालू हो जाएगा। भैया आप भी आइए। किसान भाइयों, आपको हम दिखाते हैं चिपसोना आलू। देखिए कन्नौज क्षेत्र का इस तरीके का चिपसोना आलू आता है और इसकी क्वालिटी वाइज देख सकते हैं। इधर अगर देखेंगे तो ये भैया बाराबंकी जिले का लग रहा है चिपसोना। देखिए इधर तरफ अगर देखेंगे तो बाराबंकी का है। इस तरीके के फिलहाल में आलू जो हैं भैया, एक नंबर क्वालिटी के जो सोने हैं बढ़िया अच्छे वाले, उनका भाव भैया रहता है अच्छा खासा यहाँ 25 रुपये तक। नीचे में अगर आएंगे तो 22-23 जिस तरीके के आलू हैं उसी तरीके के आलू की बिक्री फिलहाल में मंडी 20 रुपये किलो भी है। सादा वाले जो सोने हैं उनके 20 रुपये किलो भी है। ज़्यादातर मंडी में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बताया 14-15-20 पिकअप तक आता है। 20 पिकअप का अगर रेशियो लगाएंगे तो वही आप रेशियो लगा सकते हैं किस तरीके के पैकेट आते हैं। कुछ बड़ी भी गाड़ी आती है इस तरीके की जिसमें 70-80-100 पैकेट तक आ जाते हैं। तो ये स्थिति है फिलहाल में बाराबंकी मंडी में। आज की जानकारी पसंद हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय जवान जय किसान।